हमारे साथ बरेली से हैं राम नारायण जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। हरदीन नमस्कार साहब से बात करनी थी। जी। नारायण जी, आदाब। हाँ, आदाब साहब। क्या सवाल है, बताइए, क्या सेवा है? सवाल तो ये है, अभी मैंने आपके यहाँ 10 तारीख को, इधर 29 तारीख को बात करी थी, तो कोई डॉक्टर बोल रही थी किरण गुप्ता, तो उन्होंने कहा जैतून का छिलका मंगा लीजिए और करिए। अब वो बोली उसके अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, क्या है, उसमें सब डिटेल लिखी होगी। तो कल आपका वो जैतून का छिड़का तो आ गया है, उसका 1500 रुपया बताया था, वो हमने दे दिया। अब उसका हमारे को इच्छा उस दिन भी थी कि हकीम साहब से तो हमारी कम से कम बातचीत हो जाए, लेकिन जैसा भी नियम हो आपका, मुझे परेशानी ये है कि वैसे तो मुझे 10-15 साल हो गए इस शुगर की बीमारी को, लेकिन वो अभी तक जो थी मतलब बर्दाश्त लायक थी, लेकिन इधर करीब 2 महीने से मैं अंग्रेजी दवाई भी ले रहा हूँ और उसमें पोजीशन ये है कि मेरी शुगर जो है, अब फास्टिंग जो है, जो पहले इससे 15-20-25 तक आती थी, वो अब आ रही है सवेरे के समय 175-80-190। अब ठीक। वो डॉक्टर के पास फिर हम गए तो उन्होंने कहा, हमने तो आपसे कहा था इंसुलिन लगवा लीजिए, इंसुलिन का प्रयोग करिए, लेकिन उसके लिए हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है, तो इसलिए हमने कहा अब हकीम साहब का आशीर्वाद लिया जाए जिससे कि हमको फायदा हो जाए। जी जरूर जरूर, आपने बहुत अच्छा किया। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ जब मैं तमाम लोगों से बात नहीं करता, क्योंकि कई लाख लोग से मैं एक साथ बात मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन हम दोनों की बात नहीं हो पाती। अच्छा, देखिए, डायबिटीज़ का यही है कि जब डायबिटीज़ फिर बढ़ने लगती है दवा खाने के बाद, तो फिर पोटेंसी बढ़ा दी जाती है, फिर बढ़ी तो फिर गोली उससे ज़्यादा तेज़ दे दी जाती है, और फिर जब आखिर होता है तो इंजेक्शन लगवाना। ये इंजेक्शन इतना ख़तरनाक होता है कि आदमी परेशान होकर खुद ही लगाने लगता है। ये जो जैतून का सिरका है, ये ऐसी नौबत नहीं आने देता कि इंजेक्शन तक बात पहुंच जाए, क्योंकि ये स्थिर रखता है। और कुछ हमारे भी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना है समझ लें। देखिए, हर शख्स को 1 घंटा यानी 5-6 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलना है धूप में, चाहे 15-15 मिनट करके चलें। ये बहुत अच्छा इलाज है, दवाओं से भी अच्छा इलाज है। आप यकीन करें, हमारे शरीर बहुत कीमती है, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और 5 बार गर्म पानी पीना है कम से कम, या इससे ज़्यादा पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा इलाज है, दुनिया का बेहतरीन इलाज है हर रोग के लिए। ठीक है, हमारी खुराक अगर 4 रोटी हो तो हमें 2 रोटी खानी चाहिए। ये डायबिटिक के लिए ये उसूल है, चाहे 3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें तो आपकी शुगर नहीं बढ़ती। और ये उसूलों पर आप चलेंगे तो आप इतने सेहतमंद रहेंगे जैसे नॉन डायबिटिक रहता है। वो दवाएं भी खाएं, ये भी पिए, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिला के लें, और दोपहर को ले लें या तो और रात को ले लें। ये आप देखेंगे कि 2 दिन में 3 दिन में आपकी डायबिटीज़ जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आने लगेगी, और जीवन भर लेनी चाहिए। और जो कुछ मैंने इतनी देर आपसे बात की, उन सब पर अगर आप अमल करते हैं तो आप मेरी तरह ज़िंदगी जी सकते हैं।